बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रबीउल अव्वल शरीफ जैसा मुकद्दस दिन और मुबारक दिन जिसमें अल्लाह ने अपना वो महबूब जलवागर किया जो रहमतुल आलमीन बन के तशरीफ़ लाए और जिन्होंने रहमत और अमन का पैगाम दिया, उस पैगंबर अमन का के सिलसिले में, उसकी विलादत के सिलसिले में आशिकान मुस्तफ़ा मुस्तौन के अंदर जो जुलूस निकाल रहे थे उस पर जिस तरह हमला किया गया है और 70 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं और दर्जनों वहाँ ज़ख्मी हुए हैं, वो इंसान कहलाने के मुस्तहिक भी नहीं जिन्होंने यह हरकत की है। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों की दिल आज़ारी की है और उनके दिलों को रूहलहा कर दिया। और ये तो वो दिन होता है जिसमें हुकूमत का ऐलान होता है कि हम ने हाई अलर्ट कर दिया है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और बड़ी सख्त हमने हिदायत जारी की हैं। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे दिन के अंदर जबकि हाई अलर्ट भी हो सिक्योरिटी और फिर इस किस्म का दहशत नाक वाक़िया और दहशतगर्द कामयाब हो जाएँ और वह अपने इस मज़मूम मकासद के अंदर कामयाब हो जाएँ, ये सिक्योरिटी इदारों के लिए चैलेंज है। और इससे पहले भी वाकयात हो चुके हैं लेकिन अफसोस हमारे हुक्मरान उसके सद्देबाब के लिए कोई लायमल इख्तियार नहीं कर रहे। ये बड़ी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, पूरे मुसलमान इससे मुस्तरिब हैं, बिलखसूस पाकिस्तान के अवाम बड़े तशवीश में मुबतला हैं। मैंने मिल्ली यकजहती कौंसिल का, जिसके अंदर पाकिस्तान की तमाम मजहबी जमातों का, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इत्तेहाद है पाकिस्तान में, 5 अक्टूबर को उसका हंगामी इजलास लाहौर के अंदर मंसूरे में तलब कर लिया है हमारे सेक्रेटरी जनरल मोहतरम जनाब लियाकत बलोच साहब ने। इंशाल्लाह मुल्क की तमाम मजहबी तमाम जमातें जो इस मिल्लियत काउंसिल के मेंबर हैं 30 के करीब, वो सब जमा होकर और एक लाइमल तय करेंगे और हुकूमत से पूछेंगे और हुक्मरानों से सवाल करेंगे कि आखिर वो क्या वजह है कि आप अब तक अमन अमान कायम करने में नाकाम रहे हैं और इस दहशतगर्दी को आप अभी तक नहीं रोक सके। कब तक ये खून की होली खेली जाती रहेगी? नहीं अगर आपके हिम्मत है और नहीं अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो इससे बदले के चले जाएं, उन लोगों को मौका दें कि जो इस मामला को संभालें और इसको कंट्रोल करें। बहरहाल ये बड़े अफसोसनाक सानहा है और इस पर इंशाल्लाह 5 अक्टूबर को जो मैंने इजलास तलब किया मिल्ली काउंसिल का, उसमें तमाम मजहबी जमातें मिलकर इंशाल्लाह कोई ठोस लामल का ऐलान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन शहीदों को जिन्होंने ये जाम शहादत नोश किया है उनको दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और जितने इस वक्त ज़ख्मी अल्लाह उनको सेहत कामिल और सेहत आजिल नसीब फरमाए। मुझे यकीन है कि इन शहीदों का, इन आशिकान मुस्तफ़ा का लहू रंग लाएगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का बोलबाला होगा इंशाल्लाह और ये दहशतगर्द जो हैं वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्ला बलाग़ुल मुबीन।